हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं अडानी एंटरप्राइज के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7th दिसंबर 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले अडानी एंटरप्राइज में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 2.58% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 4031.80 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। यहाँ पे 1 डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिला है, कैंडल भी यहाँ पे छोटी सी जो है मीडियम साइज की बनी है और यहाँ पे ऊपर के साइड में छोटी सी एक विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, आरएसआई हमारे 67-68 के आसपास जो आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड। स्टॉक में हम अपसाइड मूव जो है अच्छा खासा देखने मिले, ऑल टाइम हाई के आसपास जो स्टॉक हमें क्रॉस होते हुए देखने मिल सकता है। सबसे पहले 4100 के आसपास आते हुए देखने मिला, अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो 4200 तक भी जो स्टॉक आते हुए देखने मिलेगा। तो जरूर जब स्टॉक में नजर बना करके बढ़िया यहाँ पे रैली हमें वापस से जो अडानी एंटरप्राइज में देखने मिल सकती है और यहाँ पे अच्छा खासा मूव भी जो हमें देखने मिलेगा। साथ में ट्रेंड भी जो स्टॉक में पॉजिटिव है तो यहाँ पे मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हमारे फेवर में होगा वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट दो सपोर्ट जोन और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस क्या जो है कल के लिए आने वाले वो बना के चार्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ पे आपको बाइंग करनी है तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा 3892 के आसपास स्टॉक अगर आए तो जरूर आप वहाँ पे बाइंग करें। 5-10% का इजीली अपसाइड मुझे देखने मिल जाएगा। ऑलरेडी यहाँ से जो है एक बाउंस ले चुका है तो शायद से वापस आपको जो है यहाँ से जो है अभी 5-8% का अपसाइड मुझे देखने मिल जाएगा। स्लो मूवमेंट हुआ तो 10-15 ट्रेडिंग डेज लग सकता है, लेकिन अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो 5 डेज के अंदर भी देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करने करंट प्राइस में आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक को मैं तो कहूंगा कि गिरने दो, आराम से 3000 के आसपास आए स्टॉक तब आप बाइंग करें, या फिर 3000 के नीचे मतलब 2750 के आसपास आए तो वहां पे आप जरूर बाइंग जो है वो कर सकते हैं। 3000 के आसपास थोड़ा थोड़ा आप जो है जरूर एक्यूमुलेट करते रहे ताकि यहाँ पे आपका जो है अच्छा एक यहाँ पे स्टॉक में जो है एवरेजिंग भी होता रहे और यहाँ पे आपका जो है पोर्टफोलियो भी बढ़ता रहे। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो लेवल्स बता जरूर आप उसी को जो है यहाँ पे ध्यान में रखते हो अपना ट्रेड लेना। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा, ऑलरेडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे जो यहाँ पे मार्क थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में जो अच्छा खासा जो मूव हमें देखने मिला है तो यहाँ पे मैं जरूर जो है स्टॉक में थोड़ा सा जो है साइकोलॉजिकल नंबर जो है यहाँ पे ऊपर के साइड में मार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे ज्यादा नहीं, 2 ही मार्किंग्स करूंगा 20-20 पॉइंट्स के बेसिस पे फिलहाल जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है तो 20-20 पॉइंट्स का जो मूव हमें देखने मिल जाता है इजीली, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे 20 पॉइंट्स का जो मार्किंग्स कर दिया है। तो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ सीधा इसके क्लोजिंग की, नीचे के साइड में थोड़ा सा डेटा अगर हमें बनते हुए देखने मिले तो उसको हम यहाँ पे देखकर जो है मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे एक नया जो है डेटा हमें बनते हुए जरूर देखने मिला है, ये जो है मार्क कर लेते हैं।
और अब बात करता हूं मैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग अगर मैं कहूं तो 4031 के आसपास यहां पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 3997 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 4035 का। तो याद रखना, डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 3972 का, उसके बाद क्या आता है 3952 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 4061 का, उसके बाद क्या आता है 4092 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मैं यहाँ पे जरूर स्टॉक में एक गैप ऑफ ओपनिंग होती है या फिर नहीं वो मैं जरूर ध्यान दूंगा, क्योंकि अगर गैप ऑफ ओपनिंग हुई और 4035 के ऊपर हुई तो बढ़िया एक अपसाइड मुझे हमें देखने मिल जाएगा अगर गैप ऑफ ओपनिंग सीधी जो है डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुई। तो बाकी ओवरऑल यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस जरूर नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में एक नेगेटिव क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यहाँ पे जो कल का मूव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कल के दिन यहाँ पे जो है हमें रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हर एक चीज के बारे में जो यहाँ पे न्यूज है, तो यहाँ पे कहीं जो है ओवरऑल मार्केट जो पॉजिटिव साइड में ना चले जाए हमारी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी है। तो यहाँ पे जो है फिर स्टॉक में भी जो अच्छा मूव हमें देखने मिल जाए, लेकिन गैप ऑफ ओपनिंग होती है या फिर नहीं वो आप जरूर ध्यान में रखें। बाकी ओवरऑल हमारा ओपनिंग कल के दिन इस रेंज में, मतलब नो ट्रेडिंग एरिया के रेंज में कल के लिए क्लोजिंग का है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।